Hello my friends, welcome to B EduCARE. This side Surya sir, and today in this particular video we'll talk about Maharashtra Law CET 3 years 2023, the expected cutoff with respect to each particular category. चाहे कोई भी category से belong करते हो, यहाँ हम बात करेंगे in detail क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है, क्या कट ऑफ आपका इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है. सो स्टैट्स को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है. गाइज, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इस बार बहुत बड़े हैं. 64,143 कैंडिडेट्स ने एग्जाम अपीयर की थी और इसी की वजह से जो स्कोर रहा है वो काफी अमेजिंग रहा है. सो इस बार कट ऑफ बढ़ने वाला है. आप स्टैट्स की वीडियो देख सकते हो. सो यहाँ मैंने कुछ कॉलेजेस को इनलिस्ट किया है. उसके पहले गाइज हमें ये ध्यान में रखना है कि कट ऑफ कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज. अगर आप जीएलसी के लिए ट्राई कर रहे हो देन आपको ये पता होना चाहिए कि जीएलसी में ओएमएस के लिए कितनी सीट्स हैं. लाइक जीएलसी हैज 300 सीट्स, अब ओएमएस के लिए 30 सीट्स वहां है. ओके, तो 30 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो मैंने स्टैट्स बताया है उसमें 121 से लेकर 130, यहाँ अगर मैक्सिमम कैंडिडेट्स ओएमएस के हैं देन गाइज कट ऑफ यहाँ से चालू हो जाएगा. यहाँ अगर महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स ज्यादा है देन ओएमएस का कट ऑफ जो है वो नीचे चला जाएगा 111 टू 120 के बीच. ओके, सो ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि कट ऑफ बढ़ने वाला है. और कट ऑफ एक और मेन पैरामीटर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रेफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, आप किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए प्रेफर करते हो गाइज ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस यहाँ बताऊंगा एंड विल टॉक अबाउट इन डिटेल ऑल दी कॉलेजेस, क्योंकि मैंने कॉलेजेस को लेकर एक सेपरेट कट ऑफ लिस्ट तैयार की है जो हमारे कैप प्रोग्राम में आपको मिल सकती है. सो दिस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल यू कैन गेट इन दीज प्रोग्राम्स. एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी लिस्ट शेयर की जाएगी, एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट लिस्ट, पास्ट ईयर के कट ऑफ्स क्या रह चुके हैं, कैप के नोटिफिकेशंस कैसे हैं, अपडेट्स कब कब आने वाले हैं, अपडेट्स को लेकर आपको क्या तैयारी करनी है, असिस्टेंस टिल कैप एंड कंप्लीट प्रोसेस वीडियो, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है, एंड सपोर्ट ओवर चैट बिटवीन 12 PM टू 5 PM. Same in personalized CAP course where you can call us between 12 PM to 5 PM and you can clear your overall doubts. So guys, download our app now and get access for the CAP course and CAP personalized course. Now let's discuss about the cutoff. So my friends, यहाँ मैंने कुछ कॉलेजेस मेंशन की है, उनके रिस्पेक्टिव कट ऑफ आप देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द ओएमएस कैटेगरी, एमएस, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, डीटीवीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, कोई भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से हो और आपके स्कोर अगर इस पर्टिकुलर रेंज में है देन ये कॉलेज आपको मिलना तय है गाइस. लेकिन फिर भी मैं बता दूं, दीज ऑल आर दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नॉट दी एग्जैक्ट कट ऑफ, क्योंकि गाइस देखो एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होता है जो आपको सीईटी सेल आफ्टर एडमिशन के बाद शेयर करती है. एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंसेस मैटर करते हैं स्टूडेंट्स के. अब कितने स्टूडेंट ने, सपोज 50 स्टूडेंट ने जीएलसी के लिए अप्लाई किया है, सारे स्टूडेंट्स 100 प्लस के ऊपर है, सो मैक्सिमम चांसेस है कि 100 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, राइट? ये 50 इन्हीं को एडमिशन मिलेगा क्योंकि ओएमएस की सिर्फ 30 ही सीट है. सो ऐसे कुछ फैक्ट्स होते हैं गाइज जो आपको समझने जरूरी है. सीट मैट्रिक्स क्या होता है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या कहता है. अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन को लेकर देन यहाँ हम देख सकते हैं कि एससी के कैटेगरी के स्कोर जो है वो काफी हाई है, उनका कट ऑफ भी काफी हाई जा रहा है, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ काफी कम आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? 19% विद रिस्पेक्ट टू द ओबीसी, 15% विद रिस्पेक्ट टू द एससी कैटेगरी, इनके लिए रिजर्वेशन है. सो अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए एससी कैटेगरी के स्टूडेंट ज्यादा ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ यही चांसेस है कि एससी का कट ऑफ बढ़ने वाला है. ठीक है, तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा इन अवर कैप प्रोग्राम. सो वहां आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे गाइस. फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन. चलो बात करते हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज फर्स्ट. ओएमएस को लेकर गाइस 125. देखो गाइस मैंने स्टैट्स को लेकर ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, वहां भी आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार जो है वो काफी ज्यादा है. अगर हम बात करें 100 प्लस कैंडिडेट्स देन अप्रॉक्स 3700 कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने 100 के ऊपर स्कोर किया है. इसी की वजह से गाइस कट ऑफ बढ़ सकता है और कंपटीशन मैक्सिमम होने वाला महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट को लेकर. जीएलसी को लेकर आपको ध्यान में रखना है 125, महाराष्ट्र के लिए 116, ईडब्ल्यूएस 110. गाइस ईडब्ल्यूएस को लेकर 10% रिजर्वेशन है, ये आप जानते हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इससे भी कम हो जाए, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा चला जाए, और ये कंप्लीट डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज, राइट? और ये चीज हर कैटेगरी में हो सकती है. सो ओबीसी एससी 105 में कवर, एसटी 82, हो सकता है एसटी का कट ऑफ और नीचे चला जाए. देखो गाइज आपको जो भी मार्क्स मिले आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज की सीट के लिए आपको ट्राई करना ही है. डीटीवीजे 92, एनटीबी 99, एनटीसी 105, एनटीडी 100. विद रिस्पेक्ट टू द आईएलएस ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट 123, एमएस के लिए 114. नाउ थर्ड वन केसीसीएल 120 तो आपको टारगेट करना ही है. एमएस 112. माइनॉरिटी कैंडिडेट, अब यहाँ देखो गाइस हो सकता है माइनॉरिटी 80 के ऊपर के जितने स्टूडेंट्स हैं हर कोई केसीसीएल के ट्राई करे जो रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ मैंने मेंशन किया 65+ अगर आपका स्कोर है आप ट्राई कर सकते हो केसीसीएल के लिए। नवमल फिरोदिया, इसके लिए आपको टारगेट करना है 117 विद रिस्पेक्ट टू द ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट एंड अप टू 112 विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट। रिस्पेक्टिव कट ऑफ आपके सामने है। सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ 117 एंड 110। जीजे आडवाणी अगेन माइनॉरिटी कॉलेज, सो 65 के ऊपर जिनका भी स्कोर है वो ट्राई करेगा। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के लिए इसका कट ऑफ होगा 108 एंड ओएमएस के लिए 114। देयरआफ्टर यू कैन टारगेट जेसीसीएल 112 105, रिजवी लॉ कॉलेज 111, एमएस के लिए 105 एंड माइनॉरिटी 75+, क्योंकि रिजवी कॉलेज के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ट्राई करते हैं। सो आपका स्कोर होना चाहिए 75 टू 80 के बीच, तब आप रिजवी के लिए ट्राई कर सकते हो गाइस। Thereafter you can target Ambedkar College of Law 110 105 and at the 10th place Shankar Rao Chauhan Law College। यशवंत राव चौहान कॉलेज के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, नागपुर के कुछ कॉलेजेस है उनके लिए भी ट्राई कर सकते हो। कट ऑफ होना चाहिए गाइस 110 103। सो दीज ऑल आर द रिस्पेक्टिव कट ऑफ। अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बना लेनी है, और अगर आपका स्कोर इससे कम है देन डोंट वरी एट ऑल, वी ऑलरेडी लॉन्च आवर कैप प्रोग्राम। सो कैप प्रोग्राम के लिए इनरोल कर लो, सारे डाउट्स अपने सॉल्व कर लो, क्योंकि वहां हम इन डिटेल बात करेंगे कितनी सीट्स है आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू दी महाराष्ट्र स्टेट, विद रिस्पेक्ट टू दी ओएमएस। सो यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया which particular institute you have to target. That's all. If you have any queries and doubts, ask me in the below comment section. And if you want a preparation for 2024 or 25, then join us at WLE Ghatkopar Dadar, and you can also interact live with us. That's all from my side, guys. Don't forget to download our app. Follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram. All the best for your career. See you in the next video, guys.